हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम डीएसएमएस की स्टडी कर रहे हैं और डीएसएमएस की लास्ट क्लास में हमने कंप्रेशन मेंबर चैप्टर कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टील बीम्स पढ़ेंगे, यानी इस्पातीय धरन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टील बीम्स में कौन कौन से टॉपिक हैं और उनमें से कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यूपीबीटी के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। किस टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, किससे रिलेटिव थ्योरी पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक्स की। तो दोस्तों, स्टील बीम में मेनली पांच टॉपिक हैं आपके, जिनमें कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा धरन की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ बीम। तो सबसे पहले आपको बीम की परिभाषा बतानी है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा है, बट ये चैप्टर स्टार्टिंग है बिल्कुल बीम का, तो हम पहले बीम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा है लोड ऑन बीम, यानी बीम पर जो लोड कार्य करते हैं उस लोड के बारे में पढ़ेंगे कि बीम के ऊपर कौन कौन से लोड कार्य करते हैं। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बेसिक है, इसलिए हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा एग्जाम में, थ्योरी के रूप में भी, डेरिवेशन में या फिर न्यूमेरिकल में, और उसके बाद फिर हम उन टॉपिक्स को ही स्टडी करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं तीसरे टॉपिक की दोस्तों, तो सबसे पहला टॉपिक समझ गया क्या है, बीम की डेफिनेशन। दूसरा, बीम पर लोड। तीसरा हो जाएगा, जो बीम पर लोड कार्य कर रहे थे उस लोड के कारण बीम में कौन कौन से इफेक्ट उत्पन्न होंगे, कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो तीसरा क्या रहेगा हमारा, अनुप्रस्थ भारों के परिणाम, यानी इफेक्ट ऑफ ट्रावर्स लोड्स। जो ट्रावर्स लोड होते हैं, जो बीम के ऊपर लोड कार्य करते हैं, उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि आपका जो स्टील बीम चैप्टर है, अगर इसमें से थ्योरी का कोई टॉपिक बनता है तो केवल इसी में से बनेगा आपका, कि बीम के ऊपर जो इफेक्ट्स आएंगे उससे रिलेटिव थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें मेनली पाँच इफेक्ट होते हैं आपके। एक होता है बेंडिंग, दूसरा सीयर, तीसरा डिफ्लेक्शन, चौथा वेव क्रपलिंग और पाँचवा वेव बकलिंग। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इफेक्ट्स में, वो है आपका वेव क्रपलिंग एंड वेव बकलिंग। इन दोनों से रिलेटिव दोस्तों दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटिव आपके थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे, इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। इसके अलावा इन दोनों से रिलेटिव डेरिवेशन बनते हैं, यानी इससे रिलेटिव फॉर्मूला आपको डेराइव करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इससे आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से, एक तो थ्योरी का, दूसरा डेरिवेशन। समझ पा रहे आप, तो हम इसकी भी अच्छे से स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक है दोस्तों, वो है जो आपने अभी ये लोड के इफेक्ट्स देखे, यानी बेंडिंग, सीयर, डिफ्लेक्शन, वेव क्रपलिंग, वेव बकलिंग। तो इन पांचों टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता, कभी कभी नहीं भी पूछता। तो इन पांचों टॉपिक पे बेस्ड चार पांच न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो अगला टॉपिक हमारा चौथा वाला क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इफेक्ट्स ऑफ ट्रावर्स लोड। ट्रावर्स लोड के जो इफेक्ट्स थे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनकी स्टडी करेंगे। और पांचवा एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिजाइन ऑफ बीम। क्या है लास्ट, डिजाइन ऑफ बीम, यानी कि बीम की डिजाइन, जो आपकी स्टील बीम होती है इसकी डिजाइन। इसमें दो टाइप की बीम है, एक तो आपकी लेटरली रेस्ट्रेंड बीम है, यानी पार्श्विक आबद्ध धरन, आबद्ध लिख लेना दोस्तों, छूट गया भाई मिस्टेक, पार्श्विक आबद्ध धरन। और एक है आपकी ब्यूल्टअप बीम, यानी संगठित धरन। तो ब्यूल्टअप बीम का क्वेश्चन पिछले चार पाँच साल से नहीं पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन आपका ज्यादातर आ रहा है वो आ रहा है पार्श्विक आबद्ध धरन से, यानी लेटरली रेस्ट्रेंड बीम का क्वेश्चन आ रहा है, और यही आई थिंक आपके सिलेबस में है इस बार। तो इसका डिजाइन आपको करना है, ठीक है। तो हम यहीं तक स्टडी करेंगे इसमें। ब्यूल्टअप बीम में आपको पढ़ा देता, बट इतना टाइम नहीं है इस समय, बहुत कम टाइम है ऑलरेडी, 25 को आपका एग्जाम है, तो इसीलिए हम इस समय ब्यूल्टअप बीम को अभी के लिए होल्ड करेंगे। इन फ्यूचर आपको बाद में मैं पढ़ा दूंगा कभी नॉलेज के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, बीम की डेफिनेशन देखेंगे, फिर बीम पर कौन से लोड काम करते हैं ये देखेंगे, फिर लोड के इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद फिर डिजाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट से, यानी बीम की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए ध्यान से, तो दोस्तों बीम की डेफिनेशन आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक आपने काफ़ी टाइम पढ़ा होगा, इसको मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने, सॉम में पढ़ा है, आरसीसी में पढ़ा है। तो बेसिक सी डेफिनेशन है, मैं रीड कर देता हूँ एक बार आपके सामने। बीम क्या होती है, बीम किसी भी संरचना का एक क्षैतिज अवयव है। आपने डायग्राम देखा होगा, बीम का क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, इस तरह से होती है, जो कि सपोर्ट पर टिकी हुई होती है दोनों तरफ से। तो ये कैसी है, ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, क्षैतिज अवयव है, दिखाई दे रहा है आपको कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो बीम क्या होती है, किसी भी स्ट्रक्चर का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ठीक है, क्षैतिज अवयव है। अब इस पर लोड कैसे काम करेगा, तो जो इसकी अक्ष होती है दोस्तों, इसकी अक्ष के परपेंडिकुलर लोड काम करता है, कैसे, लंबवत लोड काम करता है, परपेंडिकुलर, समझ आ रहा है। तो इस परपेंडिकुलर लोड को दोस्तों हम कहते हैं ट्रावर्स लोड, इतना क्लियर। तो यहां से डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको, क्या है डेफिनेशन, कि धरन किसी संरचना का एक क्षैतिज अवयव है, जिस पर लोड सदैव इसकी अक्ष के
वर्टिकल कार्य करता है, और इस वर्टिकल लोड को हम क्या कहते हैं, ट्रावर्स लोड कहते हैं। समझ आ गया इतना। अब एक काम क्या होता है, ये तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ये एक क्षैतिज अवयव है और इस पर लोड हमेशा इसके अक्ष के लंबरूप काम करेगा, और इस लोड को हम ट्रावर्स लोड कह देंगे, ठीक है। अब इस बीम का मुख्य काम क्या होता है, तो बीम का काम होता है दोस्तों, जो भी सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर लोड आता है ये उस लोड को सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर करती है। अब ये सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर की जितनी स्ट्रक्चर होती है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जीएल से नीचे के स्ट्रक्चर को हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर अगर कोई लोड आ रहा होगा तो उसको क्या करेगा, ये स्लैब के माध्यम से या कॉलम के माध्यम से या दीवार के माध्यम से सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर कर देगा। जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये देखिए डायग्राम को। यहाँ पर दोस्तों को ये कोई लोड है, यहाँ कोई लोड है, ये कोई लोड था, ये अब ये सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब बीम क्या काम करेगी, ये कोई बीम है यहाँ पर, ये बीम थी, ठीक, ये बीम है। अब ये जो बीम है ये इस लोड को क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, जो सब स्ट्रक्चर के ऊपर लोड आ रहा था उसको ट्रांसफर करेगी, स्थानांतरित करेगी। कहाँ पे ट्रांसफर करेगी, तो जो जीएल है, ये आपका जीएल है यहाँ पर, इस जीएल से नीचे ट्रांसफर करेगी सब स्ट्रक्चर पर। कैसे ट्रांसफर करेगी, तो इसमें आपकी कोई दीवार हो, कोई कॉलम हो, या फिर कोई भी अदर मेंबर है, स्लैब हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर के दूसरे मेंबर के माध्यम से, जैसे यहाँ से ट्रांसफर किया नीचे को, यहाँ से लोड बीम के ऊपर आया, बीम ने इसको इधर पोस्ट की हेल्प से, जो आपकी पोस्ट लगी हुई है दोनों तरफ, ठीक है, इसकी हेल्प से क्या कर दिया, नीचे को ट्रांसफर कर दिया। समझ पा रहे हैं आप। तो बीम का मुख्य काम क्या होता है कि सब स्ट्रक्चर के, सॉरी सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी लोड आता है ये उसको सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफर किसकी हेल्प से करेगा, तो उस संरचना के अन्य अवयवों के माध्यम से, अन्य मेंबर्स के माध्यम से, चाहे वो स्लैब हो, कॉलम हो, दीवार हो, कुछ भी हो, उसकी हेल्प से इसको ट्रांसफर करने का काम करता है लोड को बीम, ठीक है। इतना समझ आया, तो ये हो गया बीम के बारे में बेसिक सा, समझ आ गया। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट आपको नॉलेज होना जरूरी है इसकी। अब बात करते हैं बीम के ऊपर लोड कौन कौन से काम करते हैं। पहला टॉपिक क्लियर हुआ आपको, अब देखिए दूसरा टॉपिक, यानी बीम पर कार्य करने वाले लोड, देखिए ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, धरनों पर कार्यरत बल यानी लोड ऑन बीम्स, बीम्स पर कौन कौन से लोड काम करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या कि ये कोई बीम होती है और बीम हॉरिजॉन्टल है और इसकी अक्ष के लंबरूप लोड काम करता है। अब ये जो लंबरूप लोड कार्य कर रहा है दोस्तों, इस लोड को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रावर्स लोड, इतना आपको पता है। अब ये ट्रावर्स लोड आपका पॉइंट लोड भी हो सकता है, यूडीएल भी हो सकता है, यूबीएल भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप। तो बीम पर मेनली वैसे तीन ही टाइप के लोड काम करते हैं, एक पॉइंट लोड, यूडीएल और यूबीएल, और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं ट्रावर्स लोड। ट्रावर्स लोड का मतलब जो अक्ष के परपेंडिकुलर काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये बीम पर लोड सदैव इसकी अक्ष के लंबरूप यानी वर्टिकल कार्य करता है, जिसे हम ट्रावर्स लोड कहते हैं। यह भार सामान्यतः क्या हो सकता है, बिंदु भार हो सकता है, पॉइंट लोड हो सकता है, या फिर यूडीएल हो सकता है, या फिर दोनों का संयोजन हो सकता है। इसके अलावा यूबीएल भी हो सकता है, आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये कोई लोड है, तो यहाँ पर तो कौन सा लोड दिखा रखा है मैंने, ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड दिखा रखा है, यानी पॉइंट लोड, जैसे हम संकेंद्रीय भार भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लोड लगे हुए हैं, ये पॉइंट लोड है। इधर अगर आप देखें तो इसमें दो तरह के लोड आ रहे हैं, यहाँ तक तो यूडीएल है इतना, और इसके बाद ये यूबीएल है। समझ पा रहे आप। तो कौन कौन से लोड बीम पे काम करते हैं, मुख्य रूप से तो ट्रावर्स लोड काम करता है। उस ट्रावर्स के अंदर ही कौन कौन से आते हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूबीएल, ये सब लोड इसके ऊपर कार्य करते हैं। समझ आ रहा है इतना। मैंने काफ़ी इफेक्टिव पीडीएफ बनाया है दोस्तों, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। तो अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ नॉलेज के लिए आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इफेक्ट्स ऑफ लोड्स ऑन बीम, यानी बीम पर जो लोड काम कर रहे हैं उनके क्या क्या प्रभाव होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए तीसरा टॉपिक, तो मैंने आपको पहले ही बताया था लोड के पांच इफेक्ट हैं टोटल। सबसे पहला है बेंडिंग, दूसरा सीयर, तीसरा डिफ्लेक्शन, चौथा वेव क्रिपलिंग, और पांचवा वेव बकलिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले टॉपिक की, यानी इफेक्ट में पहला टॉपिक है बेंडिंग। तो पहले देखते हैं बेंडिंग के बारे में। तो देखिए बेंडिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने सोम में पढ़ा भी होगा। बेंडिंग क्या होती है, तो सपोज ये कोई बीम थी, समझना ध्यान से, ये कोई बीम है। अब इस बीम के ऊपर कोई ट्रावर्स, ये ट्रावर्स लोड आ रहा था कोई भी, ठीक है, ये कोई भी ट्रावर्स लोड था। अब इस लोड के कारण क्या करेगी बीम, बेंड कर जाती है, मतलब नीचे को झुक जाती है, इस तरह से ऐसे झुक जाती है, समझ आ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, बीम का इस तरह से झुकना क्या कहलाता है हमारा, बेंडिंग कहलाता है। तो यही मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है कि धरन पर आने वाले ट्रांसवर्स लोड के फलस्वरूप बीम में बेंडिंग होता है, और जिसके फलस्वरूप बीम में बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो हमें बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है और हम उसे भी करेंगे, ठीक है। तो बेंडिंग आपको समझ आ गया क्या होता है। सपोज ये कोई बीम थी, देखिए ध्यान से, ये कोई बीम है, और ये बीम इस लोड आने से पहले बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, जब बीम पर कोई लोड नहीं आया तो
कैसी थी, ये हॉरिजॉन्टल थी, और जैसे ही बीम पर लोड आया, बीम क्या हो गई, नीचे को थोड़ी सी झुक गई। अब बीम का नीचे को झुकना ही क्या कहलाता है, बेंडिंग कहलाता है। और बीम के ऊपर जो लोड काम करता है उसे हम ट्रावर्स लोड कहते हैं। तो इस ट्रांस ये ट्रांसवर्स जो लोड था, इस ट्रांसवर्स लोड के कारण बीम में क्या आ गई, बेंडिंग आ गई, और बेंडिंग के फलस्वरूप ही बीम में बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। इतना समझ आया? अब देखिए दोस्तों, इस बेंडिंग से रिलेटिव एक क्वेश्चन और बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी थ्योरी ऑफ बेंडिंग, बेंडिंग का सिद्धांत क्या है। आपने सोम में पढ़ा होगा, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन भी पढ़ी होगी, तो वहीं से बेंडिंग के सिद्धांत का क्वेश्चन आपका डीएसएमएस में भी पूछ लेता है थ्योरी में। तो चार पांच पॉइंट है छोटे छोटे, मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ, आपने पढ़ तो रखे होंगे, बस रिविजन समझे अपने लिए। तो देखते हैं बेंडिंग की थ्योरी, ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ बेंडिंग, बंकन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेंडिंग। तो देखिए चार पांच पॉइंट है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट लिखा है, धरन के अनुप्रस्थ काट जो बेंडिंग से पूर्व समतल होते हैं, बेंडिंग के बाद भी समतल होते हैं। मतलब ये कोई बीम थी आपकी, ये बेंडिंग से पहले कैसी है, प्लेन है बिल्कुल, ठीक है। अब बेंडिंग के बाद भी कैसी रहेगी, सपोज ये बेंड कर गई बीम, इसके बाद भी प्लेन ही रहेगी, मतलब ये झुक जाएगी नीचे को, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा, समतल है तो समतल ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये समतल ना रहे, बेंड हो जाएगी लेकिन क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, इसका समतल ही होगा। तो बेंडिंग से पहले भी प्लेन होती है ये, और बेंडिंग के बाद भी प्लेन होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका कि जो बीम होती है उसका पदार्थ कैसा होता है, पूर्णतः एक रूप होता है। एक रूप का मतलब है होमोजीनियस, यानी कि जो बीम बनी होगी दोस्तों वो कैसी होगी, होमोजीनियस। हालांकि जो आपकी आरसीसी की बीम होती है वो होमोजीनियस नहीं होती, हेट्रोजीनियस होती है, मगर आईएएस कोड ने उसको भी होमोजीनियस मान रखा है। समझ पा रहे हैं, होमोजीनियस का मतलब है जो एक ही पदार्थ से मिलकर बनी हो, जैसे लकड़ी की बीम है तो सिर्फ लकड़ी की होगी, स्टील की बीम है तो सिर्फ स्टील की होगी। समझ आ रहा, तो आरसीसी की बीम को भी होमोजीनियस ही माना गया है, लेकिन यहां तो हम स्टील की बीम को पढ़ेंगे, तो स्टील की बीम कैसी है हमारी, होमोजीनियस होती है, यानी कि धरन का पदार्थ पूर्णतः होमोजीनियस है, तथा उससे प्रत्यास्थता गुणधर्म जो होंगे, इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसी होंगी, सभी दिशाओं में समान होंगी। ये आपको पता होगा, कोई भी होमोजीनियस सेक्शन होता है तो होमोजीनियस सेक्शन की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो सभी दिशाओं में समान होती है। मतलब ये कोई बीम थी, इसके इस पॉइंट पर इधर इधर सब तरफ जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होंगी कैसी होंगी, सेम होंगी, हर तरफ ई काम करेगा, हर तरफ ई। समझ पा रहे ना आप, तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है, इसमें जो प्रतिबल होगा वो प्रत्यास्थता सीमा से अधिक नहीं होगा, यहाँ पर हुक का नियम फॉलो होता है, याद रखेंगे आप। क्या होगा, जो आपका स्ट्रेस होगा, जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ आया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, इसमें प्रत्येक लेयर, यानी जो आप इसकी बीम के ऊपर लेयर होती हैं वो कैसी होंगी, एक्सपेंशन के लिए उसकी ऊपरी या निचली लेयर से मुक्त होंगी। मतलब जो प्रसार होगा, जैसे कोई बीम थी ये कोई बीम थी, तो इसमें कई सारी लेयर्स होंगी, जब इनमें प्रसार होगा जब, तो ये प्रसार कैसा होगा, यानी कि एक दूसरे से मुक्त होंगी। ऐसा नहीं है कि एक पहली में प्रसार होगा तो दूसरी में भी होगा, अलग अलग रूप से प्रसार हो सकता है, ठीक है, वो अलग बात है कि इक्वल इसमें एक्सपेंशन होगा, लेकिन क्या होगी, मुक्त होंगी। और पांचवा पॉइंट है, तनाव एवं संपीड़न में प्रत्यास्थ मापांक का मान समान होगा। प्रत्यास्थ मापांक मतलब ई की वैल्यू, ई की वैल्यू स्टील के इसमें टेंशन में भी ई की वैल्यू, और कंप्रेशन में, यानी ई एस एंड ई सी दोनों कैसे होंगे, ई एस ई सी मतलब स्टील के लिए है, ये ध्यान रखना, किसके लिए, स्टील के लिए। स्टील के लिए प्रत्यास्थता मापांक का मान दोस्तों समान होता है, चाहे वो कंप्रेशन में हो या फिर टेंशन में हो, 2×10^5 न्यूटन पर mm² होता है, इतना आपको पता होगा, ठीक है। इसलिए क्या आवश्यक है इसके लिए, बीम का जो बंकन समतल पर कैसी होती है, सममित होती है, सिमेट्रिक होती है, ऐसा माना जाता है। तो ये पांच पॉइंट थे, थ्योरी के पॉइंट थे, मैंने रीड कर दिए, PDF से आप और अच्छे से इसको पढ़ लेना। तो ये कभी कभी पूछ लेता है इस चीज़ को, ठीक है, तो याद रहेगा आपको बंकन के सिद्धांत क्या थे। अब आता है इसका फॉर्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से, उसको ध्यान से समझना आपको। तो ये आ गई आपके बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आपने पढ़ी होगी सोम में काफ़ी अच्छे से, क्या होती है, m/i = f/y = e/r, ये होती है बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। लेकिन हमें निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू, तो हम पहले जो आपके चार टर्म है इनको लेंगे, m/i = f/y, यहाँ से हमें f निकालना है। एम क्या होता है यहाँ पर, एम होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध आघूर्ण, जो कि बेंडिंग मोमेंट के बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक है। आई होता है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जड़त्व आघूर्ण। एफ है यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, यानी बंकन प्रतिबल। और बाई होता है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक की दूरी कंप्रेशन में, और नीचे तक की दूरी टेंशन में, ठीक है, ये बाई होता है। और ई आप जानते ही हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है। आर होता है रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें यूज करना है, कितना, m/i = f/y को लेना, और यहाँ से f की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से अगर आप f की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो ये y चला जाएगा इस साइड यहाँ पर, तो
क्या हो जाएगा, एम बाई अपॉन आई। अब आप इसको ट्रिक से याद रखना, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा एम बाई मिलकर माई बन गया, माई अपॉन आई, आप इस तरह याद रख सकते हैं क्या बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है। इस एफ को हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं दोस्तों, याद रखना सिग्मा से भी, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है आप याद रखना माई अपॉन आई, केवल इतना याद रखेंगे आपको फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, माई अपॉन आई, इस तरह याद रखेंगे, क्लियर हुआ इतना। अब इस बाई को हम ले आते हैं नीचे यहाँ पर, तो बाई को नीचे लाएंगे तो ये आई अपॉन बाई हो जाएगा, और आई अपॉन बाई को कहते हैं सेक्शन मॉडुलस, जिसे जेड से डिनोट करते हैं, आकृति मापांक, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, एम अपॉन माई अपॉन आई के बाद बाई को नीचे ले आए तो आई अपॉन बाई बन गया, और आई अपॉन बाई को हमने क्या कह दिया, जेड कह दिया। तो जो मेन फॉर्मूला आ गया निकल के हमारा, वो क्या आ गया, एफ बराबर एम अपॉन जेड, ये आपको याद रखना है यहाँ से, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला दोस्तों याद रखना आपको क्या होता है, एम अपॉन जेड होता है। तो आप एम अपॉन जेड याद रखना, या फिर एम अपॉन जेड याद ना रहे तो माई अपॉन आई, ट्रिक से याद रखेंगे माई अपॉन आई, समझ आ रहा है इतना। तो आपको मेनली बेंडिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये वाला सिंगल फॉर्मूला एक अकेला याद रखना है, इतना क्लियर हुआ। एम आपको मैंने बताई दिया क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है, या फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, आई पता है मूवमेंट ऑफ इनर्सिया है, और एफ क्या है बेंडिंग स्ट्रेस है, वाई क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है न्यूट्रल एक्सिस से, और जेड होता है सेक्शन मॉडुलस। इन सब के मात्रक पीछे लिखे हुए हैं, ये न्यूटन मीटर में होता है, ये मीटर की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर में, और ये मीटर की पावर 3 में होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, ये डायग्राम है, आप डायग्राम में यहाँ से ध्यान से समझ सकते हैं, बी और डी, ये आपने सब सॉम में पढ़ रखा है, रिवीजन है, मैं इसको स्किप करता हूँ, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब दोस्तों यहाँ से आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपका, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आपने ये एफ की वैल्यू निकाली है, ये वाली एफ की वैल्यू, ये क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, लोड के कारण जो बीम में से बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा था वो है ये एफ। अब इस एफ की जो वैल्यू होगी दोस्तों, वो किसी भी हाल में परमिजिबल स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आईएस कोड ने एक रिकमेंडेशन दी थी जिसके अकॉर्डिंग परमिजिबल स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स की थी, किसकी, परमिजिबल स्ट्रेस की, परमिजिबल कौन सा, मैक्सिमम परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी जो होता है, उससे एफ की वैल्यू या तो कम होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, किसी भी हाल में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा हो गई तो आपका बीम फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या आईएस कोड की रिकमेंडेशन क्या है, तो आईएस कोड की रिकमेंडेशन देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू आईएस 800/1984 मैक्सिमम परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन, इसको जो इसका जो सिंबल होता है वो होता है सिग्मा बी, या तो सिग्मा बीटी बोल देना, बीटी मतलब क्या होगा बेंडिंग इन टेंशन, या फिर आप सिग्मा बीसी बोल देना, बीसी मतलब बेंडिंग इन कंप्रेशन, समझ पा रहे हैं। तो इसको हम सिग्मा बीटी या सिग्मा बीसी से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है ये इंपॉर्टेंट है, और जेई के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो क्या होती है 0.66 एफ वाई, क्या होती है 0.66 एफ वाई, दो बार 6 आता है बेंडिंग में, याद रखना कितनी बार, दो बार, ठीक है। तो 0.66 एफ वाई हो गया इसकी वैल्यू। एफ वाई आप जानते हैं, एफ वाई किसे कहते हैं, यील्ड स्ट्रेस को कहते हैं, पराभव प्रतिबल को कहते हैं। सेफ्टी के केस में जो हमने पीछे एफ निकाला था, मैक्सिमम एफ मैक्सिमम, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए सिग्मा बी टी या फिर सिग्मा बी सी से, बराबर भी ले लेते हैं हम, पर किसके लिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। यहाँ तक समझ आया। अब आगे देखिए, अगर हम बात करें किसकी, लेटरली रेस्ट्रेंड बीम, जो कि हमें पढ़नी है, आपके सिलेबस में है, पार्श्विक आबद्ध धरन, इसके केस में एफ मैक्स की वैल्यू सिग्मा बी सी और सिग्मा बी टी के बराबर ही होती है। तो जो हमने एफ लिया था उसको हम सिग्मा भी ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू 0.66 एफ वाई होती है, समझ आ रहा है इतना। अगर हम एफ वाई को दोस्तों 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर लें, मतलब एफ ही 250 के लिए निकालें हम, किसकी वैल्यू, जो हमारी सिग्मा बी सी या फिर एफ की वैल्यू है, तो कितनी आएगी, तो 0.66 में 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 165 आएगी। ये आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन में देगा न्यूमेरिकल में, नहीं देगा तो आपको याद रखना है, जो आप बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू लेंगे, यानी सिग्मा बी की वैल्यू लेंगे, या फिर इसको बी टी बी सी किसी से भी डिनोट कर सकते हैं आप, इसके अलावा सिंगल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आप लेंगे कितनी लेंगे, 165 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, याद रखना बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी, 165 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, या फिर फॉर्मूला याद रखना आप 0.66 एफ वाई, ठीक है। इतना समझ आया। अब ये हो गया आपका बेंडिंग के बारे में, बेंडिंग हुआ पूरी तरह से कंप्लीट। अब दूसरा था हमारा इसमें सीयर। अब देखिए सीयर के बारे में, तो ये है दोस्तों हमारा सीयर, यानी धरन में अपरूपण सीयर। तो सीयर भी आप अच्छे से जानते हैं, सीयर की डेफिनेशन क्या होती है, तो ट्रांसवर्स लोड एंड रिएक्शन के फलस्वरूप, ये कोई बीम है, ये कोई बीम है। अब बीम पे क्या आएगा, ऊपर से तो क्या आ रहा था, बीम के ऊपर से ट्रांसवर्स लोड आ रहा था, और नीचे से क्या लग रहा है, इधर से नीचे से ऊपर की ओर क्या लग रही है, रिएक्शन लग रही है। तो ऊपर से ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, नीचे से रिएक्शन लग रही है, तो इसके कारण क्या होगा, बीम बीच में से कट जाएगी यहाँ से, ठीक है, बीम को काटने की कंडीशन बन जाएगी, काटने को कहते हैं कर्तन,
और जब कर्तन होता है तो सियरिंग होती है, तो एक लोड नीचे की ओर काम करने लगता है इसकी सतह के स्पर्श रेखीय, और एक ऊपर की ओर काम करने लगता है, ठीक है। सतह के स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल याद रखना, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सियर फोर्स, ये भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझ पा रहा। तो यही मैंने थ्योरी में यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसवर्स लोड्स एंड रिएक्शंस के फलस्वरूप बीम में सियरिंग होती है, जिसके फलस्वरूप बीम को सियर फोर्स का प्रतिरोध करना पड़ता है, जिससे बीम में सियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वहाँ तो हमने पढ़ा बेंडिंग स्ट्रेस, जो कि हमने सिग्मा बी देख लिया, जिसकी वैल्यू 165 आई थी। यहाँ पढ़ेंगे हम सियर स्ट्रेस, और सियर स्ट्रेस को हम टाओ से डिनोट करते हैं दोस्तों, टाओ से। तो यहाँ पर दो तरह के सियर स्ट्रेस पढ़ेंगे हम, यानी टाओ बी से डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम एक तो मैक्सिमम पढ़ेंगे यानी टाओ वी एम, और एक पढ़ेंगे एवरेज टाओ वी ए, ठीक है। तो दोनों स्ट्रेस के बारे में देखेंगे। तो अब बात करते हैं किसकी, सियर स्ट्रेस की। आप सियर की डेफिनेशन अच्छे समझ गए, अब देखिए सियर स्ट्रेस। तो सियर स्ट्रेस क्या है, तो यहाँ पर भी आईएस कोड की रिकमेंडेशन है। पहले मैं आपको सियर स्ट्रेस का फॉर्मूला बता दूँ, फॉर्मूला क्या होगा। तो आपने ये पढ़ा होगा आरसीसी में, क्या टाओ वी इक्वल टू बी अपॉन बी इंटू डी, ये आपने पढ़ा होगा आरसीसी में, पढ़ा नहीं इतना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आई बीम है, आई सेक्शन आप पढ़ेंगे बीम का। तो यहाँ पर टाओ वी का फॉर्मूला बन जाएगा, बी सेम रहेगा ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सीयर फोर्स है बी, ये यही रहेगा, और यहाँ जो बी है ये वाला बी, ये भी बदल जाएगा। इस बी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टी डब्ल्यू, जिसे क्या कहते हैं आप, थिकनेस ऑफ वेव कहते हैं टी डब्ल्यू। और जो स्मॉल डी है ये कैपिटल डी हो जाएगा बीम की गहराई। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा आपका मेनली, वो फॉर्मूला क्या रहेगा, ये वाला फॉर्मूला रहेगा, इसे आपको याद रखना है, टाओ ए बी इक्वल टू बी अपॉन डी इंटू टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, वेव की थिकनेस, डी मतलब गहराई, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, तो वैल्यू एक तरफ से देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम सियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो टाओ वी एम, टाओ भी तो सियर स्ट्रेस होता है, एम फॉर मैक्सिमम। तो टाओ वी एम की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.45 एफ वाई, क्लियर। एफ वाई आपको पता है यील्ड स्ट्रेस होता है, अगर इस एफ वाई की जगह हम 250 पुट कर देंगे तो उस केस में जो आपके टाओ वी एम की वैल्यू आएगी दोस्तों, वो आएगी 112.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या रहेगी, 112.5। अगर आप 112 और 100 याद ना रखना चाहें, आगे 100 आएगी एवरेज की वैल्यू, तो आप सीधे याद रखना 0.45 एफ वाई तो किसके लिए होता है, मैक्सिमम के लिए, और 0.40 एफ वाई होता है एवरेज के लिए, याद रहेगा। तो अब देखते हैं एवरेज, एवरेज में क्या होता है, 0.40, 40 बताया था मैंने एवरेज में, मैक्सिमम में 45, याद रहेगा। अब एफ वाई की जगह आप 250 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, ठीक है। आपने 250 रखा तो कितनी आएगी, 100। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है, मैक्सिमम की तो रहती है 112.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर 0.45 एफ वाई, और जो आपका एवरेज होता है उसकी वैल्यू 0.40 एफ वाई या फिर 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले से निकल के आई थी वैल्यू, इसकी ये जो फॉर्मूले से आई थी आपकी टाओ एवरेज की वैल्यू, वो वैल्यू आपकी हर हाल में परमिजिबल से कम होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, ये आईएस कोड की रिकमेंडेशन है, इतना क्लियर। तो ये हो गया आपका सीयर के बारे में। सीयर के बाद अब था हमारा तीसरा डिफ्लेक्शन, तो अब देखते हैं डिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। जल्दी जल्दी कवर करता हूँ मैं, ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा सकूँ, इसलिए आपको स्पीड को मेंटेन रखना और बहुत ध्यान से समझते चलना है, वीडियो स्किप नहीं करना है दोस्तों। मैं ऑलरेडी आपका टाइम बचा रहा हूँ, काफ़ी स्पीड से बोल भी रहा हूँ मैं, ठीक है, बस समझते चलो आप। उसके बाद आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ से खुद से भी पढ़ लेना, ठीक है, थ्योरी को। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर कराऊंगा, ताकि इफेक्टिव रहें, समझ में आए आपको काफ़ी अच्छे से, बस आप एक बार थ्योरी को जल्दी जल्दी कवर कर लो, ठीक है, क्योंकि थ्योरी भी इसकी इंपॉर्टेंट है, और बिना थ्योरी के बिना फॉर्मूले के हम क्वेश्चन समझ नहीं सकते, इसलिए चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए आगे, तो अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन भी आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, डिफ्लेक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे सपोज ये कोई बीम थी, अब बीम पर लोड आता था, आपने पढ़ा था बीम में क्या होती है, बेंडिंग हो जाती है बीम, बीम बेंड हो जाती है ना, इस तरह से बीम क्या करती, बेंड कर जाती है ऐसे। तो बीम बेंडने के केस में, इसकी बेंडिंग से पहले ये कोई अक्ष थी और बेंडिंग के बाद ये कोई अक्ष हो गई, ठीक है। तो इसके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, चित्र में बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की ट्रांसवर्स लोड के कारण विरूपण के बाद की स्थिति दिखा रखी है। विरूपण के बाद की मतलब डिफॉर्म हो गई बीम। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम को अगर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर ये कोई बीम थी, ये कोई बीम थी, ये लोड आने से पहले थी बीम, कैसे, भार आने से पूर्व। अब जैसे ही बीम पर लोड आया तो उसके कारण बीम क्या करेगी, नीचे को बेंड कर गई, इस तरह से बीम नीचे बेंड कर गई। तो बेंडिंग से पहले की जो पोजीशन थी और बेंडिंग के बाद की पोजीशन, इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसी को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन, विक्षेप, ठीक है। ये आपने सोम में पढ़ा होगा। विक्षेप दोस्तों अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है। अगर यहाँ देखें यहाँ कम है, यहाँ देखें यहाँ और कम है, अगर सिरों पर देखें तो जीरो है सिंपली सपोर्टेड के केस में, और बीच में कैसा है, मैक्सिमम है। तो ये आपने पढ़ा होगा, किस में, सोम में पढ़ा होगा। तो डिफ्लेक्शन आपको समझ आ रहा है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी, कौन सी, डेल्टा जो दिखाई दे रही है आपको, इसको हम विक्षेप कहते हैं, इसको डिफ्लेक्शन कहते हैं।
इतना आपको समझ आ गया होगा। अब डिफ्लेक्शन के लिए आईएस कोड की रिकमेंडेशन क्या है, तो जो डिफ्लेक्शन होता है इसकी वैल्यू किसी भी हाल में स्पेन अपॉन 325 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब पॉइंट आपके डिजाइन में बहुत काम आएंगे आईएस कोड वाले, ध्यान रखना अभी से, ठीक है। मैं आपको हर एक का आईएस कोड का रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, किस किस का बता दिया मैंने, बेंडिंग का भी बताया था आपको, जो हमने फॉर्मूले से बेंडिंग निकाला था एम अपॉन जेड से, उसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए परमिजुअल बेंडिंग स्ट्रेस से, ये मैंने आपको बता दिया था, जो कि 0.66 एफ वाई था। ऐसे ही मैंने आपको शियर का फॉर्मूला बताया था, टाओ ए बी बी अपॉन डी इंटू टी डब्ल्यू होता है, जो कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कितना था 0.45 एफ वाई से, एवरेज था 0.40 एफ वाई, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे डिफ्लेक्शन आपका स्पेन अपॉन 325 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, समझ आ रहा है। तो ये आईएस कोड की रिकमेंडेशन थी। तो ये हो गया दोस्तों हमारा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन तक क्लियर हुआ, तो मैंने ये काफ़ी जल्दी कवर किया। अब जो चौथा है ये है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेव क्रपलिंग, और पाँचवा है वेव बकलिंग। इसको मैं थोड़ा स्लोली आपको समझाता हूँ, क्योंकि यही आपके एग्जाम में इस टॉपिक से थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से आप समझेंगे ध्यान से, देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेव क्रपलिंग की डेफिनेशन की, और उसके बाद देखेंगे वेव क्रपलिंग के लिए डेरिवेशन। तो डेफिनेशन एंड डेरिवेशन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है, डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब बीम में पॉइंट लोड लगा हो तो पॉइंट लोड के कारण बीम के वेव में किसी पॉइंट पर बीम के नीचे समुचित धारण क्षेत्रफल ना होने के कारण पंगु होने की संभावना रहती है, इस प्रक्रिया को वेव क्रपलिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखाया, आप ध्यान से समझना, बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये कोई बीम थी आपकी, और इस बीम के ऊपर, यहाँ पर इस बीम के ऊपर एक कोई लोड लगा हुआ है, ये ठीक है पी लोड लगा है ये कोई, और इस पी लोड को दोस्तों सहन करने के लिए जो ये वेव है, वेव और फ्लेंज तो आप जानते हैं, यानी किसी भी बीम का ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है ऊपर और नीचे, ये तो फ्लेंज होता है, और जो बीच वाला वर्टिकल पोर्शन है इसको हम वेव कहते हैं, इतना आपको पता होगा, ठीक है। तो जब इस बीम के ऊपर ये लोड आया, कोई भी आई सेक्शन है, ये आई बीम है कोई, इस आई बीम के ऊपर लोड आएगा दोस्तों, तो इस लोड को सहन करने के लिए जो वेव होता है, इस वेव के किसी पॉइंट पर प्रॉपर एरिया नहीं मिल पाता, एरिया कम पड़ जाता है, जितना एरिया चाहिए इस लोड को सहने के लिए उतना एरिया नहीं मिल पाता। तो जिस पॉइंट पर एरिया कम पड़ जाता है, प्रॉपर एरिया नहीं मिल पाता, उसी पॉइंट से ये बीम क्या होती है, विकलांग हो जाती है, पंगु हो जाती है, मतलब जो सीधी थी ये सीधी ना रह के थोड़ी सी मुड़ जाती है। अब इसमें ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो क्रपलिंग होती है ना वो किसी भी निश्चित पॉइंट पे होगी, मतलब ये पूरी लंबाई में नहीं होती, जबकि जो बकलिंग होती है, आपने सोम में भी पढ़ा होगा बकलिंग के बारे में, सोम में तो था बकलिंग उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब उसमें किसी भी सेक्शन का कॉलम का बकलिंग था वहाँ, कि कॉलम में जो बकलिंग होती थी पूरी लंबाई की होती थी, मतलब जो कॉलम अपने स्थान से विस्थापित होता था तो पूरा पूरा हो जाता था, इस तरह से समझ पा रहे हैं आप। लेकिन क्रपलिंग क्या होगी, क्रपलिंग किसी भी निश्चित पॉइंट पर होगी, जहां पर भी एरिया प्रॉपर नहीं मिल पाएगा इस लोड को सहने के लिए, वहीं से विकलांग हो जाएगी। जैसे यहां पर ऊपर लोड आ रहा था तो इस लोड को सहने के लिए यहां पर प्रॉपर एरिया नहीं मिला, तो यहां से ये पंगू हो गई। जबकि अगर आप इस दूसरे डायग्राम में देखें तो नीचे से रिएक्शन लगी हुई है, इसको ध्यान से देखिए, यहां से रिएक्शन लग रही है ऊपर की तरफ ये, और रिएक्शन को इसको सहने के लिए यहां पर प्रॉपर एरिया नहीं मिल पाया, तो इस जगह से ये थोड़ी सी विकलांग हो गई। तो समझ आ रहा है ना आपको, या कोई पॉइंट लोड हो या फिर रिएक्शन हो, रिएक्शन भी पॉइंट लोड की तरह ही काम करती है, तो इसको सहने के लिए जब वेव के पास समुचित क्षेत्रफल नहीं मिल पाता, समुचित धारण क्षेत्रफल यानी बियर एरिया नहीं मिल पाता टोटल, तो उस जगह से क्या होती है, पंगु हो जाती है, विकलांग हो जाती है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेव क्रपलिंग बोलते हैं, क्योंकि वेव में क्रपलिंग हो रही है तो इसलिए क्या कहेंगे हम इसे, वेव क्रपलिंग कहते हैं। आई थिंक आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी जब बीम में पॉइंट लोड लगा हो तो पॉइंट लोड के कारण बीम की वेव में किसी पॉइंट पर बीम के नीचे समुचित धारण क्षेत्रफल ना होने के कारण पंगु होने की संभावना रहती है, इस प्रक्रिया को हम वेव क्रपलिंग कहते हैं। समझ आ गया इतना वेव क्रपलिंग के बारे में। अब दोस्तों यहां पर अब करेंगे हम इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन क्या है, किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि आप किसी भी बीम का वेव विकलांगता के लिए यानी कि वेव क्रपलिंग के लिए जांच कीजिए, चेक पूछेगा आपसे। अब आपको जांच करना है, जांच क्या करना है कि जब आपने इस पर लोड लगाया,
इस लोड के कारण दोस्तों इसमें से स्ट्रेस उत्पन्न होगा। अब जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो क्या होगा, तो वो होगा बियरिंग स्ट्रेस, क्योंकि इस लोड को वियर करना है। लोड को वियर करने के लिए क्या होगा, इसमें से बियरिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगा। जो बियरिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसको कहेंगे हम एक्चुअल बियरिंग स्ट्रेस। तो जो एक्चुअल बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू होगी दोस्तों, हमें वो निकालनी है इसमें। अब वो वैल्यू आपकी जो IS कोड ने मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस की वैल्यू दी, मैक्सिमम परमिजिबल वियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी है, उससे कम आनी चाहिए। जो मैक्सिमम परमिजिबल वियरिंग स्ट्रेस होगी उसकी वैल्यू से कम आनी चाहिए, तब तो आपके इस बीम में क्रिपलिंग नहीं होगी। और अगर इसकी वैल्यू एक्चुअल स्ट्रेस की ज़्यादा आ गई मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस से, तो इसमें क्रिपलिंग हो जाएगी। तो हमें यही चेक करना है, हमें एक्चुअल वियरिंग स्ट्रेस निकालनी है, और एक्चुअल वियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू को फिर हमें ये देखना है कि ये सिग्मा बी से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे क्रिपलिंग के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से समझना आपको, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो देखिए डेरिवेशन की बात करते हैं अब। तो दोस्तों इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा, चेक फॉर वेव क्रपलिंग ऑफ बीम, इस नाम से आएगा, यानी बीम के वेव क्रपलिंग के लिए जांच कीजिए। अब इसकी जांच के लिए आपको चेक के लिए डेरिवेशन करना है। इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपको डायग्राम को समझना है। डायग्राम मैंने हाथ से बनाया और आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी आसान है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आप ध्यान से समझना। ठीक है, देखो यहाँ पर ये कोई आई बीम का सेक्शन दिखा रखा है। ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन फ्लेंज हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या है, इसका वेव है, इतना आपको पता है। अब दोस्तों यहाँ पर वेव और फ्लेंज के बीच में यहाँ एक जॉइंट बनता है, यहाँ पर एक जॉइंट बनता है, इस जॉइंट का नाम होता है फिलर जॉइंट, इसका नाम है फिलर जॉइंट। ठीक है, और इसको इसको हम बोलते हैं, इस कॉर्नर को यहाँ पर इसको रूट फिलर बोलते हैं, यानी जड़ है इसकी, इसको रूट फिलर कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका ये फ्लेंज होता है, फ्लेंज और वेव रेक्टेंगल नहीं होता, एक कर्व बनता है। यहाँ पर आयताकार नहीं लेते, इसको एक कर्व की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, कर्व की फॉर्म में कहाँ तक लेंगे, तो इसको H2 डिस्टेंस तक लेते हैं, H2 दूरी तक ये कर्व बनता है। ये H2 दूरी का नाम क्या होता है दोस्तों, तो आपकी स्टील टेबल में अगर आप आई बीम वाले सेक्शन में जाएंगे तो स्टील टेबल में 8वें पॉइंट पर H2 की वैल्यू दे रखी होगी, और इसका नाम लिखा होगा रिमोटेस्ट फाइबर ऑफ रूट जोन, रिमोटेस्ट लिखा होगा, REMOTEST, रिमोटेस्ट फाइबर ऑफ रूट फिलर। तो रूट फिलर की होती है, यहाँ पर कर्व बनेगा, दोनों तरफ बनता है ये, ऊपर वाले फ्लेंज का वेव के साथ, नीचे भी फ्लेंज का वेव के साथ, H2 डिस्टेंस तक बनता है दोनों तरफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने लाइन खींच रखी, इस लाइन तक इस फ्लेंज की मोटाई दोस्तों ज़्यादा रहती है, ऊपर थोड़ी ज़्यादा, फिर कम होते होते यहाँ से और नीचे से हम यहाँ तक जो H1 हाइट है, इस H1 हाइट तक ये कॉन्स्टेंट हो जाती है। मतलब फ्लेंज के पास ऊपर और नीचे दोनों तरफ वेव की मोटाई ज़्यादा होगी, और H1 डिस्टेंस तक ये कॉन्स्टेंट हो जाती है बीच में आके। ये डायग्राम बताओ, साइड वाला समझ आ रहा है, तो H2 की वैल्यू आपको स्टील टेबल में दे रखी होगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो रूट फाइबर का कर्व बना हुआ है, इस कर्व की नीचे तक की दूरी होती है ये। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके साइड वाला डायग्राम देखिए ध्यान से, देखिए साइड में क्या है, ये इधर दोनों तरफ ये फ्लेंज बना रखा है, एक फ्लेंज ये हो गया, ये नीचे वाला फ्लेंज हो गया, बीम का फ्लेंज। ठीक है, बीच में इतना ये वेव था, इतना समझ आया, फ्लेंज और वेव। अब इसमें क्या कर रखा है, ऊपर वाले फ्लेंज पर दोस्तों यहाँ पर ये कोई पॉइंट लोड लगा हुआ है। अब पॉइंट लोड हमने डायरेक्ट ना लगा के एक क्या कर दी, पहले एक वियरिंग प्लेट रख दी, कोई ये वियरिंग प्लेट पे लगा रखा है, वियरिंग प्लेट की चौड़ाई स्मॉल वी है, तो W लोड लगाया वियरिंग प्लेट पे। अब जब दोस्तों पॉइंट लोड किसी वियरिंग प्लेट पे आता है तो वो पॉइंट लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब बट जाता है, वितरित हो जाता है। अब ये जो वितरित होता है दोस्तों, अब ये ध्यान रखना, ये कहाँ तक वितरित होता है, तो ये H2 दूरी तक वितरित होगा, जहाँ तक H2 डिस्टेंस है ये वहाँ तक वितरित होगा दोनों तरफ को, समझ आ रहा है इतना। अब ये कितने एंगल पर होता है, तो ये कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है, वेव क्रपलिंग में जो आपका वितरण कोण बनता है, डिस्पर्जन एंगल बनता है, वो 30 डिग्री का बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना समझ आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर ऊपर डायग्राम, पॉइंट लोड लग रहा था किसी बियरिंग प्लेट के ऊपर जिसकी चौड़ाई बी थी, यहाँ पर आपका वितरण कोण 30 डिग्री है, H2 दूरी तक ये वितरित हो गया, यहाँ पर कितना हुआ, ये बी बीच में बी चौड़ाई थी, स्मॉल बी क्या हो गई, प्लेट की चौड़ाई, दोनों तरफ को जितनी दूरी तक वितरित हुआ ये एक्स दूरी मान ली हमने, तो ये बराबर दूरी तक दोनों तरफ वितरित होगा एक्स एक्स, इस दूरी को हम कहते हैं वितरित दूरी, समझ आ रहा है इतना। ऐसे ही सेम यहाँ पर कैपिटल बी क्या है, कैपिटल बी टोटल विथ है इसकी, टोटल चौड़ाई है, जिसमें कि बियरिंग प्लेट की चौड़ाई आ गई और दोनों तरफ की वितरित दूरी भी शामिल हो गई, यानी स्मॉल बी प्लस 2x हो गई कैपिटल बी की वैल्यू। ऊपर समझ में आया आपको। अब नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे यहाँ से कोई रिएक्शन लग रही है इधर को, ठीक है, नीचे से ये R रिएक्शन लगी हुई है, और यहाँ पर भी एक वियरिंग प्लेट लगा रखी है जिसकी चौड़ाई है b, स्मॉल b। अब यहाँ क्या होगा, इस साइड दोस्तों यहाँ पर दीवार है इधर को,
तो दीवार है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इधर को तो आपका जो लोड था वो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, इधर को तो वितरित होगा नहीं, केवल एक तरफ को वितरित होगा, कितना एक्स दूरी पर। तो यहाँ पर जो वी होगी कैपिटल वी आपकी, यहाँ कितनी हो जाएगी स्मॉल वी और प्लस में एक्स। तो स्मॉल वी प्लस एक्स रहती है रिएक्शन के लिए, और लोड के लिए कितनी होगी स्मॉल वी प्लस 2x होगी कैपिटल बी की वैल्यू। इतना समझ आया तो ये हो गया डायग्राम। अब हमें करना क्या दोस्तों, इसमें चेक क्या करना है। डायग्राम समझ में आया ना आपको, तो मैं यहाँ एक बार डेटा बता दूँ क्या क्या लिखा है। बी क्या हो गया, बियरिंग प्लेट की चौड़ाई हो गया स्मॉल बी। एक्स क्या हो गया, भार वितरण दूरी हो गई, और यहाँ पर 30 डिग्री एंगल क्या था, भार वितरण कोण था। W पॉइंट लोड है, R क्या है सपोर्ट पर रिएक्शन है, और H2 दूरी क्या है वेव और फ्लेंज के बीच में जो जोड़ बन रहा था दोस्तों, उस वक्र के नीचे रेसे तक की दूरी है, नीचे वाले तक की, मैंने आपको ये बता दिया H2, ठीक है। और इसके बाद क्या है, TW आप जानते हैं वेव की मोटाई होती है, और B होती है भार वितरण सहित कुल चौड़ाई कैपिटल B। अब इस क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन में निकालना क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें आपको निकालना है स्ट्रेस की वैल्यू, एक्चुअल वियरिंग स्ट्रेस। आपको पता है स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर। अब ये फोर्स की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, क्या अगर आप पॉइंट लोड के लिए निकालेंगे तो एफ की जगह पर डब्ल्यू रख देंगे, रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो एफ की जगह पर आप आर रख देंगे। अब मेन रह गया एरिया, ये ए। अब इस ए की वैल्यू कहाँ से लाएंगे आप, तो आपको पता है एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, चौड़ाई लेंगे एक तो हम कैपिटल वी, इंटू मोटाई लेंगे, मोटाई लेंगे वेव की यानी TW। तो TW आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा। अब कैपिटल बी कहाँ से लाएंगे आप, तो कैपिटल बी लोड के लिए अलग होगी, रिएक्शन के लिए अलग होगी। अगर लोड के लिए आप देखें तो लोड के लिए कितनी है ये स्मॉल बी प्लस 2x है, और रिएक्शन के लिए कितनी है ये स्मॉल बी प्लस एक्स है, समझ आ रहा है। तो मेनली आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालनी है, अब ओवरऑल निकालना क्या आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू। अब इस स्मॉल एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो आप ध्यान से देखिए ट्रेंगल बन रहा है, ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और आपको एक्स निकालना है ये वाला, और आपको ये लंब इसका पता है, परपेंडिकुलर पता है जो कि H2 है, ठीक है। और ये एक्स निकालना है, ठीक है, आपको लंब पता है, आधार निकालना, आप कॉट थीटा लगा देंगे, कॉट 30 डिग्री लगा देंगे। अगर आप यहाँ पर कॉट 30 डिग्री लगाएंगे दोस्तों, तो कॉट 30 हो जाएगा आपका आधार बट्टे लंब होता है, यानी एक्स अपॉन H2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू H2 कॉट 30 आ जाएगी, H2 कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3 होती है, तो H2 अंडर रूट 3 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, समझ आ रहा है। तो यही मैंने डेरिवेशन में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो देखिए देखिए चित्र से, मैंने यहाँ चित्र दिखा रखा है आपको, आप चित्र से देखेंगे ध्यान से, तो चित्र से कॉट 30 डिग्री बराबर एक्स अपॉन H2 हो जाएगा। अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे तो कॉट 30 क्या हो जाएगा, आधार एक्स हो गया अपॉन H2, एक्स बराबर हो जाएगा H2 कॉट 30, H2 cot 30 का मान रूट 3 होता है, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया दोस्तों यहाँ से अंडर रूट 3 H2। इतना समझ आया। अब कैपिटल B की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कैपिटल B है स्मॉल B प्लस 2x, स्मॉल B प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू अभी निकाली हमने कितनी, अंडर रूट 3 H2। तो ये ओवरऑल जो B की वैल्यू आ गई आपकी, चौड़ाई यहाँ से कितनी आ गई स्मॉल B प्लस 2√3 H2, ठीक है, ये आ गई स्मॉल B की वैल्यू। इतना समझ आया आपको यहाँ से। अब ये तो होगी किस पर, पॉइंट लोड पर। अगर बात करें रिएक्शन की, नीचे बात करें यहाँ पर रिएक्शन पर, तो रिएक्शन पर चौड़ाई कितनी है, तो रिएक्शन पर है स्मॉल बी प्लस एक्स, यानी एक एक्स है केवल इसमें, तो यहाँ पर एक्स की जगह रखते हैं कितना, अंडर रूट 3 H2। तो यहाँ से स्मॉल बी कितना, कैपिटल बी कितना आ जाएगा, स्मॉल बी प्लस √3 H2 आ जाएगा ये। इतना समझ आ रहा है। अगर हम दोनों ही कंडीशन में एरिया की बात करें, तो एरिया क्या आएगा, बी इंटू TW आएगा। बी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप अलग अलग दोनों के लिए, बी की वैल्यू अगर पॉइंट लोड के लिए पुट करेंगे तो बी प्लस 2√3 H2 रखेंगे, ठीक है, और अगर पुट करेंगे रिएक्शन के लिए तो बी प्लस √3 H2 रखेंगे, ठीक है। यानी कि रिएक्शन पर एक एक्स कम था इसलिए केवल √3 रहेगा, पॉइंट लोड पर 2x थे, दोनों तरफ को लोड वितरित हो रहा था, इसलिए वहाँ 2√3 लेंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना वास्तविक धारण प्रतिबल, वास्तविक धारण प्रतिबल मतलब स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह अगर आप दोस्तों पॉइंट लोड के लिए निकाल रहे हैं, अगर आप पॉइंट लोड के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स पॉइंट लोड W हो गया अपॉन में एरिया, एरिया क्या होगा कैपिटल बी इंटू TW। कैपिटल बी की वैल्यू पॉइंट लोड के लिए कितनी थी, बी प्लस 2√3 H2 इंटू में TW हो गया। ये आ गई किस पर आपकी, पॉइंट लोड पर। अगर रिएक्शन पर लेंगे तो रिएक्शन पर क्या होगी, तो रिएक्शन पर यहाँ 2√3 जाए केवल √3 रहेगा, समझ आ रहा है इतना। तो ये आ गई क्या, एक्चुअल स्ट्रेस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, ये वास्तविक धारण प्रतिबल निकाल लिया। अब IS कोड के अकॉर्डिंग दोस्तों इस वास्तविक धारण प्रतिबल की वैल्यू मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही आपको डेरिवेशन था, केवल यही निकालना था इसमें,
मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से इसको अच्छे से अपने से समझ लेना, ठीक है। स्लाइड की फॉर्म में दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं बोर्ड पर करा सकता था, बट टाइम आपका बचाने के लिए मैं आपको, ताकि आपको बोर्ड से नोट ना करना पड़े, पीडीएफ भी मिल सके, इसीलिए मैं आपको स्लाइड में करा रहा हूँ, तो प्लीज कॉपरेट करना थोड़ा सा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईएस 800/1984 मैक्सिमम परमिजुअल वियरिंग स्ट्रेस, यानी दोस्तों मैक्सिमम परमिजुअल वियरिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है आईएस कोड के अकॉर्डिंग, वो होती है सिग्मा बी बराबर 0.75 FY। ये वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद रखनी है, ठीक है। ये मैक्सिमम परमिजुअल स्ट्रेस की वैल्यू है, यहाँ पर एफ वाई आपको पता है यील्ड स्ट्रेस है। अब जो हमने एक्चुअल वियरिंग स्ट्रेस निकाला था दोस्तों अभी, उसकी वैल्यू इस सिग्मा बी से कम रहनी चाहिए, ठीक है, तब तो क्रपलिंग नहीं होगी बीम में। और अगर एक्चुअल स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा हो गई सिग्मा बी से, तो फिर उसमें वेब में क्रपलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सिग्मा बी की वैल्यू की बात करें, किसके लिए, एफ ई 250 के लिए, यानी एफ वाई बराबर 250 के लिए, तो इस केस में सिग्मा बी की वैल्यू आती है 187.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। समझ आ रहा है इतना? तो यहाँ पर आपको ये नोट पॉइंट याद रखना है क्या, कि एक्चुअल वियरिंग स्ट्रेस इज लेस देन सिग्मा बी, तब क्या होगा, बीम सुरक्षित होगी हमारी वेव क्रपलिंग में। समझ आ रहा है इतना? इस तरह आपको चेक लगाना था। अब थ्योरी का लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कि वेव बकलिंग है, इसको और जल्दी से कवर करते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये है हमारा वेव बकलिंग। अब वेव बकलिंग क्या होता है, देखो, बीम के किसी बिंदु पर आने वाले पॉइंट लोड तथा रिएक्शन, यह दोनों वेव द्वारा वहन किए जाते हैं, इतना आपको पता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर किसी भी बीम के सेक्शन पर ऊपर से तो कोई पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट लोड लगा है, और नीचे से कोई भी रिएक्शन लगी हुई है, तो ये दोनों किसके द्वारा वहन किए जाते हैं, तो ये दोनों के दोनों वेव द्वारा वहन किए जाते हैं। जो बीच में वेव होता है, ये इस पे आ जाते हैं वेव पर, तो ये वेव द्वारा वहन किए जाते हैं, इतना आपको पता होगा, ठीक है। अब यदि वेव पर आने वाले लोड का मान बकलिंग लोड से अधिक हो जाता है, बकलिंग लोड क्या होता है, तो आपने बकलिंग लोड पढ़ा होगा दोस्तों, सोम में पढ़ा होगा, क्योंकि सोम में आपने बकलिंग पढ़ा था, सोम में कॉलम था ना। अब कॉलम क्या होता है, कॉलम वर्टिकल होता है, और यहाँ पर वेव क्या है, वेव भी वर्टिकल है। अगर मैं इसकी बीम की बात करूँ, तो यहाँ वेव क्या है, वेव वर्टिकल है ना, ये तो ये एक तरह से कॉलम की तरह काम करेगा, तो कॉलम की तरह काम करेगा, तो इस पर जो लोड आएगा पॉइंट लोड, अगर इस पॉइंट लोड की वैल्यू, जो इसमें बकलिंग लोड होता है, बकलिंग लोड कहते हैं एक ऐसा लोड जिससे कम लोड पर कोई भी बीम सुरक्षित सीधी खड़ी रहती है, अगर उससे ज़्यादा लोड आ गया तो बीम क्या होगी, अपने स्थान से हट जाएगी, ऐसे विक्षेपित हो जाती है थोड़ी सी इस तरह से, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है इसमें, कि जो इस पर ऊपर से पॉइंट लोड आ रहा था, इस पॉइंट लोड की वैल्यू बकलिंग लोड से अगर ज़्यादा हो गई, तो जो बीम है, बीम का वेव है, ये जो सीधा होता है, ये सीधा ना रहकर अपने स्थान से थोड़ा सा विक्षेपित हो जाएगा, इस तरह से भटक जाएगा, अपने स्थान से हट जाएगा साइड में, पार्श्व में, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेव बकलिंग। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ याद रखना आप, मैंने नोट पॉइंट में भी लिखा है कि बकलिंग हमेशा वेव की पूरी लंबाई में होती है, किसमें, पूरी हाइट में होगी, जबकि क्रपलिंग आपने देखा था, क्रपलिंग में क्या हो रहा था, जैसे अगर ये कोई आई सेक्शन था, ये कोई सपोज आई सेक्शन है, यहाँ पर ये आई सेक्शन है, इस पर कोई भी लोड आ रहा था, तो इस लोड के कारण यहाँ पर क्रपलिंग क्या हो रहा, थोड़ी सी दूरी पर हो रहा था, केवल यहाँ तक, इतना इधर है ना, थोड़ी सी दूरी पर। लेकिन जो बकलिंग होती है, बकलिंग हमेशा पूरी हाइट में होगी, पूरी हाइट से मतलब क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी हाइट में बकलिंग हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बकलिंग और क्रपलिंग में बेसिक सा इतना ही अंतर है कि बकलिंग का मतलब मुड़ जाना साइड में को, पूरी तरह से पूरी की पूरी वेब मुड़ जाएगी इस तरह से, ठीक है। लेकिन क्रपलिंग में क्या होगी, मुड़ेगी नहीं, बीच में पूरी स्ट्रेट रहेगी सीधी, लेकिन एक जगह से वह थोड़ी सी विकलांग हो जाएगी इस तरह से, ऐसे हल्की सी मुड़ जाएगी इस तरह से। समझ आ रहा है ना बकलिंग और क्रपलिंग में बेसिक सा डिफरेंस? तो ये था आपका वेव बकलिंग, समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो मैंने डिफरेंस दिखाने के लिए दोनों डायग्राम को एक साथ दिखा रखा है, एक तरफ तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्रपलिंग, क्रपलिंग में क्या हो रहा है, थोड़ा सा मुड़ रहा है इस तरह से, बकलिंग में पूरी लंबाई तक इस तरह मुड़ रहा है, तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस था। आई थिंक आपको थ्योरी पोर्शन ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बकलिंग के लिए भी डेरिवेशन है, तो बकलिंग का डेरिवेशन हो रहा है, इसे और समझ लो आप अच्छे से, ठीक है। तो देखिए बकलिंग के लिए डेरिवेशन, तो देखिए दोस्तों ये है वेव बकलिंग के लिए डेरिवेशन। अब बकलिंग और क्रपलिंग में डिफरेंस बेसिक सा है दोस्तों। क्रपलिंग में हमने निकाला था एक्चुअल वियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्रपलिंग में क्या निकालते हैं, एक्चुअल वियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू। लेकिन बकलिंग में हम दोस्तों निकालते हैं स्ट्रेंथ, बकलिंग में क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ को चेक करना होता है। स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होगी दोस्तों, जो हम बकलिंग में स्ट्रेंथ निकालेंगे, पी निकालेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा आनी चाहिए, जो इस पर लोड आ रहा है इस पॉइंट लोड से डब्ल्यू से, और जो रिएक्शन है इसमें नीचे से रिएक्शन आर लग रही थी इस आर से, दोनों से ही ज़्यादा आनी चाहिए,
अगर ज़्यादा आती है स्ट्रेंथ तो उस केस में इस लोड को ये आसानी से वियर कर सकता है वेव, और अगर स्ट्रेंथ कम आती है तो ये वियर नहीं कर पाएगा। तो मतलब बकलिंग में आपको स्ट्रेंथ निकालनी है। अब स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे आप? तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको पता है स्ट्रेंथ पी बराबर क्या होता है, सिग्मा ए सी इंटू एरिया। ये आप अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं अब तक, कंप्रेशन मेंबर टेंशन मेंबर सब जगह पढ़ा था आपने, ठीक है। दो चीज़ निकालनी है। अब एरिया, अभी मैंने आपको बकलिंग वाले पोर्शन में बताया था एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, बी इंटू टी डब्ल्यू, क्लियर। टी डब्ल्यू स्टील टेबल से मिलेगा, बी हम यहाँ से निकालेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ बस कैसे कैसे क्या क्या निकालना है, फिर एक बार मैं आपको पूरा पढ़ के सुना दूंगा इसमें क्या क्या लिखा है, तो कवर हो जाएगा जल्दी से। सिग्मा ए सी सेम लेमडा की तरह निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया के लिए बी। अब बी निकालेंगे, आपको पहले डायग्राम को समझना है थोड़ा सा। डायग्राम में आपको एस टू पता है क्या होता है, मैंने क्रिपलिंग समझा दिया, ठीक है। इधर भी एस टू आपको पता है क्या है। अब यहाँ पर क्या है, ये और यहाँ पर ये बकलिंग, इस तरह से बकलिंग हुई है, क्लियर। यहाँ पर अब यहाँ बकलिंग जब होती है, बकलिंग के केस में दोस्तों याद रखना, जो आप एंगल लेते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्जन यानी वितरण कोण जो लेंगे वो 45 डिग्री लेते हैं, ध्यान रखना। और 45 डिग्री हमेशा ध्यान रखना बकलिंग के केस में सेंटर तक ली जाती है। सेंटर मतलब जितनी इसकी टोटल गहराई होगी, कैपिटल डी है इसकी टोटल गहराई, तो डी के आधे तक, कहाँ तक लेंगे, आधे तक, यानी डी वाई टू तक लेंगे, ध्यान रखना है। समझ पा रहा है इतना, कहाँ तक लेंगे, डी वाई टू तक लेते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन को, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये बियरिंग प्लेट थी, स्मॉल बी चौड़ाई है, पॉइंट लोड डब्ल्यू आ रहा था, और एंगल ऑफ डिस्पर्जन हो गया कहाँ तक, आधी दूरी तक, डी बाई टू तक हो गया एंगल ऑफ डिस्पर्जन। इसके बाद फिर आपको आगे क्या करना है, अब इस बी की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल बी यहाँ तक, कैपिटल बी कितना होगा इसमें, स्मॉल बी प्लस टू एक्स हो जाएगा, क्लियर। अब एक्स निकालना पड़ेगा, ऐसे से हम अगर आप रिएक्शन पर देखें नीचे, तो रिएक्शन यहाँ आर लगी हुई है, स्मॉल बी ये था, इधर एक साइड को केवल एक तरफ होगा वितरण डिस्पर्जन, ठीक है। तो एक तरफ होगा तो स्मॉल बी प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ एक्स निकालना है आपको, एक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप कॉट 45 लगाएंगे यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। कॉट 45 के केस में ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसका लंब ये कितना होगा, डी का आधा है, मतलब डी वाई टू है ये, तो यहाँ पर लगा देंगे कॉट 45 क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन डी वाई टू, क्लियर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो एक्स बराबर आ जाएगा डी वाई टू, x की वैल्यू डी वाई टू आ गई। तो कैपिटल B की वैल्यू कितनी है, B प्लस टू एक्स है, आप देख सकते हैं ये कितना है, B प्लस टू एक्स, एक्स की जगह पर डी वाई टू रख देंगे, तो डी वाई टू आपने पुट किया, टू से टू कट गया, तो कैपिटल B की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल B प्लस कैपिटल D। स्मॉल B के क्वेश्चन में दिया होगा आपको वियरिंग प्लेट की चौड़ाई, कैपिटल D आप स्टील टेबल से देख लेंगे टोटल डेप्थ कितनी है बीम की। इतना समझ आया, ये आ गया किस पर, पॉइंट लोड पर। अगर आप सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट पर कितनी चौड़ाई है, सपोर्ट पर एक एक्स कम रहता है, एक तरफ दीवार होती है, सपोर्ट पर हो जाएगा स्मॉल बी प्लस एक्स, एक्स की जगह पर डी वाई टू रख दिया, तो यहाँ से आ गया ए, ये कैपिटल बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, सपोर्ट पर। अब एरिया दोनों ही केस में बी इंटू टी डब्ल्यू होगा, तो आपको एरिया यहाँ से कितना मिल जाएगा, आप एरिया देख सकते हैं, एरिया यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों बी इंटू टी डब्ल्यू। बी की वैल्यू आप अलग अलग केस में अलग अलग पुट कर देंगे, अगर आपको पॉइंट लोड पर लेना है तो पॉइंट लोड के केस में बी प्लस डी रखेंगे, और अगर आपको सपोर्ट पे लेना है तो बी प्लस डी वाई टू पुट करेंगे। यहाँ पर एरिया मिल गया। अब स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, सिग्मा ए सी और चाहिए, क्लियर। अब सिग्मा ए सी निकालने के लिए आपको लैम्डा चाहिए होता है, आपको पता है, आपने पढ़ा था कंप्रेशन मेंबर में भी पढ़ा था कि सिग्मा ए सी की वैल्यू हम लैम्डा से निकालते हैं इंटरपोलेशन वाली कंडीशन से, जिसमें कि हमें कंप्रेसिव स्ट्रेस वाली टेबल में देखते हैं, एफ वाई वाली टेबल में लैम्डा को देखते हुए। तो यहाँ पर लैम्डा निकालने के लिए आपको लैम्डा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एल अपॉन आर मिनिमम होता है, आपने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। तो एल कहते हैं इफेक्टिव लेंथ को, इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होगी दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो हम मानते हैं इसमें इन दोनों सिरों को फिक्स मानते हैं, और ये पूरी तरह से फिक्स हैं, तो जो हमारी सोम वाली कंडीशन होती है वो लगती है यहाँ पर, यानी कि सोम में अगर दोनों सिरे फिक्स हों दोस्तों, तो उस केस में इफेक्टिव लेंथ हम कितनी लेते थे, एक्चुअल लेंथ बाई टू लेते थे ना, एल बाई टू, तो वही काम करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपकी एच वन है यहाँ तक हाइट कॉन्स्टेंट रहती है, उसको तो मानेंगे कैपिटल एल यानी एक्चुअल लेंथ, और इसका आधा कर देंगे, तो आपका इफेक्टिव लेंथ एच वन बाई टू आ जाएगा, कितना आएगा, एंड्स आर फिक्स्ड होने के कारण इफेक्टिव लेंथ एल बराबर एच बाई टू आ गया। आर मिनिमम आपको पता है अंडर रूट आई अपॉन ए होता है आर का फॉर्मूला, ठीक है। अब आई कहाँ से निकालेंगे आप, तो अगर आप इस क्रॉस सेक्शन की बात करें जिसकी चौड़ाई बी थी, मोटाई टी डब्ल्यू है, इसमें अगर मैं आई मिनिमम की बात करूँ, मिनिमम कौन से अक्ष पे आएगी आई की वैल्यू, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर हम जिस जो ये जो चौड़ाई है टी डब्ल्यू, ये कम है, तो इसकी पावर थ्री करेंगे तो हमारा आई कम मिलेगा हमें, अगर बी की पावर थ्री करेंगे तो आई ज़्यादा मिलेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, टी डब्ल्यू की पावर थ्री करेंगे, तो बी टी डब्ल्यू की पावर थ्री हो जाएगा अपॉन 12। रेक्टेंगल सेक्शन के आई का फॉर्मूला होता है, आपने सोम मैकेनिक्स दोनों में पढ़ा है, आई की जगह पुट कर दिया, एरिया की जगह बी इंटू टी डब्ल्यू रख दिया, यहाँ से बी कट हो गया, टी डब्ल्यू से एक टी डब्ल्यू कट हो जाएगा, टी स्क्वायर बचेगा, टी स्क्वायर रूट से 12 के टी बन जाएगा, और 12 का रूट होता है 2√3,
ठीक है, आर मिनिमम मिल गया यहाँ से आपको, आर मिनिमम एल ये था, एच वन वाई टू दोनों को डिवाइड किया, लेमडा निकाल दिया यहाँ से, और लेमडा की वैल्यू निकल के आ गई एच वन रूट थ्री अपॉन टी डब्ल्यू, ये है लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पर एच वन आपको स्टील टेबल में नहीं दे रखा होगा दोस्तों, एच वन की जगह पर एच टू दे रखा होगा, तो आपको एच टू की फॉर्म में इसको चेंज कर लेना है। अगर आप इसको एच टू की फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ तक टोटल डी था, इस टोटल डी में से एक एच टू ये वाला, एक एच टू ये वाला, दोनों को माइनस कर दो, बीच वाला एच वन बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, तो एच वन क्या हो जाएगा आपका कैपिटल डी माइनस टू एच टू। तो हम क्या कर देंगे, एच वन की जगह पर जहाँ पर जो एच वन है आपका, इस एच वन की जगह पर क्या पुट कर देंगे, कैपिटल डी माइनस टू एच टू, और इसे पुट करने के बाद जो हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो के आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, तन्वता अनुपात की वैल्यू यहाँ से आ गई, एच वन रूट थ्री अपॉन टी डब्ल्यू तो ये था ही, इस एच वन की जगह पर क्या रख दिया, डी माइनस टू एच टू पुट कर दिया हमने, तो ये आ गया ओवरऑल आपका लैम्डा का फॉर्मूला। आप डायरेक्टली इस लैम्डा का फॉर्मूला भी दोस्तों याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करके आपको लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, केवल डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को याद रख लेना क्वेश्चन करने के लिए, डी की वैल्यू स्टील टेबल से देखना, एस टू स्टील टेबल से देखना, टी डब्ल्यू स्टील टेबल से देखना, आपको तीनों वैल्यू को स्टील टेबल से देख के यहाँ पुट करके लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा को आप कंप्रेसिव स्ट्रेस वाली टेबल में देखेंगे, वहाँ से सिग्मा ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सिग्मा ए सी और एरिया जो हमने पीछे निकाला था जो कि बी इंटू टी डब्ल्यू था, इसको पुट करके आप यहाँ से क्या निकाल देंगे, पी की वैल्यू निकाल देंगे। समझ पा रहे हैं, अब ये जो पी है दोस्तों अकॉर्डिंग टू आई एस कोड, इस स्ट्रेंथ पी की वैल्यू, स्ट्रेंथ आपकी सामर्थ्य ज़्यादा होनी चाहिए, पॉइंट लोड के लिए पॉइंट लोड से ज़्यादा होनी चाहिए, रिएक्शन के लिए रिएक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, उस केस में आपका बीम बकलिंग के लिए सेफ रहेगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। इतना क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, तो ये हो गया आपका इसका डेरिवेशन कंप्लीट। तो आई थिंक सो आपको थ्योरी पोर्शन ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब आपके केवल दो ही टॉपिक बचे हैं, एक तो बचा है डिज़ाइन और डिज़ाइन के क्वेश्चन, और एक बचा है बेसिक क्वेश्चन, जो हमने अभी ये पाँच टॉपिक किए हैं, इन पाँचों टॉपिक पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो पहले हम करेंगे इन पाँचों टॉपिक पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और उसके बाद करेंगे फिर हम डिज़ाइन के स्टेप और डिज़ाइन के क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 50 मिनट के समथिंग हो चुकी है, तो अभी इसके लिए यहीं पर रोकता हूँ। अब मैं आपको एक नेक्स्ट पार्ट और लाऊंगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूंगा, यानी पाँच तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा इन टॉपिक्स के जो अभी हमने पढ़े हैं। क्या क्या, बेंडिंग पढ़ लिया, सीयर पढ़ लिया, क्रपलिंग पढ़ लिया, वकलिंग पढ़ लिया, तो ये जो टॉपिक अभी पढ़े हैं हमने, इन टॉपिक पे क्वेश्चन है चार पांच, एक तो उन्हें करा दूंगा आपको, इसके बाद डिजाइन के स्टेप और डिजाइन के क्वेश्चन करा दूंगा, और उस क्लास को मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा, क्योंकि स्लाइड में वो समझ में नहीं आएगा आपको इतने अच्छे से, और उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरी तो आप खुद से भी पढ़ सकते थे, इसलिए मैंने आपको जल्दी से स्लाइड में कवर करा दिया, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन और डिजाइन के स्टेप मैं आपको बोर्ड पर कराऊंगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, अभी के लिए आप इसी के प्रैक्टिस करना, पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ से पढ़ लेना अभी। तो थ्योरी स्टील बीम का आपका कंप्लीट हो गया, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, थ्योरी को मैंने काफी इजी वे में लिखा है, आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं, एक बार वीडियो देख के भी आप दोबारा अपने से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा काफी डिटेल में, और बोर्ड पर कराऊंगा उसको। ठीक है, तो फिर अभी के लिए दोस्तों यहीं रोकते हैं वीडियो को, फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।